आपकी राह देख रहा है, लेकिन क्यों ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो टैरो के 3 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से हम 7 कार्ड लेंगे। तो पहले देखते हैं ओरेकल। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये हो गए 7। टैरो में से देखते 3 कार्ड। एक, दो और ये हो गए 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये हो गए 7। एक, दो और ये हो गए 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला एक कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये क्यों सोच में डूबे हुए हैं, क्योंकि ये कप उन्हें आपको देना है और ये आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कि जैसे इनके लिए वक्त ऑलमोस्ट थम सा गया है, घड़ी जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही है और ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब आप सामने से इनके सामने आ जाएं और तब जाके कहीं ये आपको ये प्यार वाला कप ऑफर करें। तो आप समझ गए होंगे ये कार्ड देख के कि इंतज़ार अब इस पर्सन से हो नहीं रहा है, ये सब्र रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो प्यार का कप आपको देना है। 7 ऑफ वैट्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन खुद को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इनके दिल के अंदर ढेर सारा पैशन आपके लिए बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे इस वैंड को इस पर्सन की तरफ अटैक करने के लिए कोई नहीं है, ये खुद ही सामने से इसकी तरफ अटैक कर रहा है, जैसे इनको कंट्रोल कर रहा है। तो वैसे ही वो अपने इमोशंस को यानी कि पैशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप राइट नाउ उनके कांटेक्ट में शायद नहीं हैं, और ये पैशन जो उनके दिल में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। द वर्ल्ड मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो या फिर वर्गो या फिर एरीज भी हो सकता है। तो ये 3 तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सेक्सुअली आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, मतलब पैशन तो उनके दिल में है ही, लेकिन आपके साथ जब भी वो कुछ सोचते हैं तो शायद ये सेक्सुअल थॉट्स उनके मन में ज़्यादा आते हैं, मतलब रोमांटिकली भी सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा,
और कई सारी बातें हैं जो उनके दिल से जुड़ी हुई है, और यही वो सोच रहे हैं कि कब मैं उन बातों को एक्सप्रेस करूँगा, जब वो सही पल उनके लिए लगेगा उन्हें, जब आप उनके रूबरू होंगे। एंजॉय, तो ये पर्सन ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, और राइट नाउ शायद आप इनके लाइफ में ऑलमोस्ट ना के बराबर अवेलेबल है, इसलिए शायद ये ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए आपकी राह देख रहे हैं। कम्युनिकेट, ढेर सारी बातें हैं उनके दिल में जो प्यार भरी भी है और साथ ही साथ पैशनेट थॉट्स भी है जो वो अपनी जुबान से आपके लिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस तरह से आपको शायद क्लोज होल्ड करके आपके साथ, हो सकता है एक छोटी मोटी वॉक लेने के बारे में भी वो सोच रहे हैं, और तब जाके कहीं उन्हें वो सब बातें क्लियरली कहने के लिए शायद सही वक्त लग रहा है। तो वेट कर रहे हैं कि कब वो लम्हा ऐसा आ जाए जब आप दोनों ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के कुछ पल एक दूसरे के साथ बिता पाओ। टुगेदरनेस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पर्सन ने उस पर्सन का हाथ थाम लिया है, तो ये ज़िंदगी भर के लिए शायद आपका हाथ थाम के आगे के सफ़र के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसीलिए आपका इनके साथ होना ये हर पल चाहते हैं। मतलब राइट नाउ अगर आप उनके साथ नहीं भी हैं तो वो आप दोनों के टुगेदरनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और शायद इसलिए राह देख रहे हैं कि जब कभी ये मौका आएगा, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, तो शायद इस तरह से वो आपका हाथ थाम के आपको अपने दिल की बात बताने के लिए शायद रुके हुए हैं। लिटिल जॉय, तो ये पर्सन ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो है वो शायद आप ही की तरफ है। पजल, खुद के ही दिल को शायद ये पजल में फील कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी दुविधा में फंसे हैं कि जिसका सोल्यूशन शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो एक्सप्रेस करें अपने जज्बात और किस तरह से कहें कि दे आर वेटिंग फॉर यू। ये बताना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है और ये इंतज़ार भी उनसे हो नहीं रहा है, तो इस वजह से ये जो पज़ल है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, और उन्हें ऐसा लगता है ये पज़ल तभी सॉल्व होगा जब आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा, तो शायद इसलिए भी राह देख रहे हैं। मैसेज, ये चाहते तो हैं कि आपको डायरेक्टली मैसेज करके अपने दिल की बात बताएं, लेकिन फिर ये शायद खुद को कंट्रोल करते हैं कि मैसेज के थ्रू बात करना ठीक नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो रूबरू वो आपसे ये क्लोजनेस जब फील करेंगे तब हाथ पकड़ के जो बात कहने में पॉइंट है वो मैसेज में नहीं, शायद इस वजह से मैसेज टाइप करते भी हैं और मोस्टली डिलीट भी करते होंगे, और मे बी पास्ट में आप दोनों ने जो मैसेजेस एक्सचेंज किए उनको बार बार पढ़ के ये खुद को ये दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। रिलैक्स, ये पर्सन ज़िंदगी में रिलैक्स होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये शायद राइट नाउ ऐसी एनर्जी में है जिस वजह से ये बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। शायद इसी बात का मेन रीज़न है क्योंकि ये पर्सन आपके सच्चे दिल से बहुत ज़्यादा राह देख रहा है, और जब हम किसी की राह देखते हैं तो ये रिलैक्स होना पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम बस स्टॉप पे हैं और बस का वेट कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उस बस की तरफ होता है, हमें आजू बाजू में कुछ भी समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तब तक भले ही वहाँ पे कुछ भी चल रहा हो, कोई बहस चल रही हो, कुछ अच्छा माहौल हो, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता अगर हम उस बस के लिए वेट कर रहे होते। तो ऐसा ही इस पर्सन के लाइफ में हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपका, आपसे मिलने के लिए और आपसे अपने दिल की बात क्लियर करने के लिए। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 of Wands फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये पर्सन, और गुस्सा क्यों है, क्योंकि इनकी जो पैशन है वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनके सामने शायद आपके एक इमेज है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और उसी वजह से इनके दिल में पैशन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और उन्हें यही पैशन रोक रहा है उनके अपने जज्बात एक्सप्रेस करने को। तो जैसे आप देख सकते हैं इस पर्सन के हाथ में एक ही वैंड है और चारों तरफ से ये पर्सन वैंड से घिरा हुआ है,
वैसे ही इनके इर्द गिर्द हमेशा आपसे जुड़ी पैशनेटली बातें इनके दिलो दिमाग में आती रहती है, और जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके लिए, लेकिन ये खुद को कंट्रोल करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन ऑलमोस्ट किसी तरफ देख के कुछ इंतज़ार कर रहा है, तो वैसे ही आपके पर्सन इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आप उनके सामने आए और वो अपने पैशन का इजहार आपसे कर पाए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो प्रिंस की एनर्जी में है, घोड़े पे सवार तो है और आपकी तरफ बढ़ना तो है, लेकिन शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सही दिशा कौन सी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रास्ता तो प्रॉपर नहीं है, इस घोड़े को खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सही डायरेक्शन है, और शायद इस पर्सन के दिमाग में कोई प्लान भी नहीं है कि मुझे इस रास्ते से जाना है या ये पहले पानी के रास्ते से जाऊंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। उन्हें बस पता है कि उन्हें आप तक रीच आउट होना है, लेकिन वो कैसे, ये बात शायद इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये प्रिंस की एनर्जी में है। द स्टार, ये विश कार्ड माना जाता है। तो आपने ऑलरेडी सुना ही है पहले कार्ड में कि ये पर्सन आपसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और आपसे जुड़ी ऐसी शायद कई सारी बातें उनके दिल में मोस्टली रात के वक्त ज़्यादा आती रहती है, लेकिन ये यूनिवर्स से सच्चे दिल से एक विश की तरह आपको मांगते रहते हैं। मतलब आप मेल फीमेल जो भी पर्सन हैं, आपके पर्सन मे बी टेलीपैथी कर रहे हैं और हो सकता है कुछ अफर्मेशंस भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें बार बार लग रहा है कि शायद बहुत जल्द आप उनसे मिलने वाले हैं, आप दोनों का कॉन्टैक्ट होने वाला है। जब ये दिल से फील होता है कि हम किसी से मिलने वाले हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। ऐसी खुशी की वजह से ये पर्सन खुद को पेशेंटली हैंडल भी कर रहे हैं। न्यू स्टार्ट, तो ज़िंदगी में ये एक नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो नया स्टार्ट तब होगा जब वो आपसे मिलेंगे, शायद इसलिए वो वेट कर रहे हैं। डिफरेंसेस, हो सकता है आप दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, मतलब आप कुछ ज़िंदगी में अलग चाहते हैं और ये पर्सन कुछ अलग। मे बी पास्ट में ऐसे कुछ डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है राइट नाउ ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इस पर्सन को पूरा यकीन है कि इन डिफरेंसेस की वजह से ये दूरियां कायम नहीं रहने वाली, ज़रूर ये दूरियां मिटने वाली है। जैसे यहाँ पे इन दो बर्ड्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि ये दूरियां अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। एडवेंचर, ये सोच के ही, इस बात को सोच के, मतलब आपके साथ एक नया स्टार्ट और ये डिफरेंसेस का ख़त्म होना, इस बात को सोच के ही ये पर्सन ज़िंदगी में एक एडवेंचरस लाइफ फील करता है। उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है जब वो सोचते हैं कि आप दोनों एक साथ नया स्टार्ट लेंगे। डोंट वॉन्ट टू लूज, आपको खोना नहीं चाहते, और शायद इसीलिए इस पैशन को वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये डर सता रहा है कि मतलब आप ऐसा सोचेंगे सिर्फ पैशनेटली तुम मेरे बारे में सोचते हो या सोचती हो, इट डजंट मीन कि ये सच्चा प्यार है, ऐसे कुछ गलत फहमियाँ ना हो, इसलिए ये शायद अपने जज्बात आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे और इसलिए वेट कर रहे हैं कि कब आप सामने से इनको कुछ कहे, ताकि ये रिप्लाई में अपने दिल की बात आपको बता पाए। प्रिपेयर, तो खुद को तैयार तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब उन्हें पूरा यकीन है कि ये नया स्टार्ट ज़िंदगी में बहुत जल्द होने वाला है, तो शायद ये खुद को अफर्मेशंस देते रहते हैं। मे भी हो सकता है आईने के सामने भी कुछ बातें रिपीट करते हैं कि मुझे यही कहना है, ये सेंटेंस कह दूंगा या कह दूंगी, तो हो सकता है कुछ उन्होंने बार बार रिपीट भी किए हैं सेंटेंस जो उन्हें कहने हैं और वो भूलने नहीं हैं, इसलिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अचानक से अगर कभी आप उनके कॉन्टेक्ट में आएंगे तब ये किस तरह से अपनी बात कहेंगे। लव, प्यार तो बहुत है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, और इस प्यार को शायद इस तरह से वो आपके साथ फील करना भी चाहते हैं। अगर पास में आप दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज थे, तो ये पर्सन उन लम्हों को याद करके आज भी आपके लिए राह देख रहे हैं, बिकॉज ही और शी वॉन्ट दैट मोमेंट वंस अगेन। कॉफ़ी, मे बी ये पर्सन आपको कभी कॉफ़ी पे लेके गए थे, और आज जब वो अकेले उस कॉफ़ी टेबल पे जाते हैं जहाँ पे आप पहले मिले थे, तब वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और उनके दिल की एक आवाज़ शायद उन्हें लगती है कि नहीं, वो पल वापस आएगा जब हम दोनों फिर से वो कॉफ़ी का कप
शेयर करेंगे और शायद इसी होप को लेके ये पर्सन आपके लिए राह देख रहा है। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।